एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज काफ़ी दिनों बाद हम प्री ओन गाड़ी की वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हमारे पास जो गाड़ी है वह वोक्सवैगन पोलो। तो पोलो गाड़ी कई मतलब जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनकी फेवरेट गाड़ी रहती है ये। तो आज इसकी मतलब पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे, क्या कितने की आपको पड़ेगी। प्री ओन गाड़ी है, फॉर सेल है, तो आपको पता ही है हम कहाँ आए होंगे। तो द्वारका मोटर्स की गाड़ी है ये। अगर आपको किसी को भी गाड़ी लेनी हो तो आप द्वारका मोटर्स आ सकते हैं। तो आज हमारे साथ दूसरा फेस है, आ जाओ दूसरा फेस है। तो आज अमन भैया नहीं है हमारे साथ वीडियो में। भैया अपने आपको पहले इंट्रोड्यूस करो, नाम वाम बताओ, क्योंकि आप नए हो हमारे चैनल पर, थोड़ा सा बताओ। मेरा नाम हनी है, द्वारका मोटर्स एंड फाइनेंस के नाम से मेरा काम है। और तो आज भैया मिले हैं, अच्छा लगा भैया से मिलके। पहली वीडियो है इनके साथ, तो आज मतलब फीचर कर रहे हैं इनको। तो आज ये गाड़ी की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने वाले। तो भैया सबसे पहले तो आप बेसिक डिटेल्स बता दो गाड़ी की, क्या डिटेल है, मतलब ईयर और ओनर, ये सब सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स आपको पता ही हो सारी गाड़ी की, बता दो। प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ें बता दो। ओके, ये 2013 मॉडल है, ठीक है, पोलो वोल्क्सवैगन कंपनी की है। और ये टॉप वेरिएंट में आती है, हाईलाइन है ये, फर्स्ट ऑनर है। 54,000 ओनली रनिंग है, 54,000 जेन्युइन रनिंग है, ठीक है। कोई मीटर टेम्पटिंग वाला काम नहीं है हमारा, ठीक है, हाँ ठीक है। ओनली 54,000 रनिंग है, ठीक है। तो ये जो टायर्स हैं इसके, ये कंपनी के साथ के ही हैं, नए डलवाए हैं आप लोगों ने? कंपनी के साथ के ही टायर्स हैं। अच्छा, टायर साथ के ही हैं जी। तो मतलब अभी फिर चेंज वेंज कराने की कोई ज़रूरत है कि 50-54,000 चल चुकी है? तो अभी इसमें आपको कोई भी काम कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टायर्स आपके 70% के अराउंड हैं। अच्छा, 70% हैं अभी, 70% इसमें है, मतलब 25-30,000 चल देंगे आराम से अभी। जी जी। अच्छा, मतलब रेडी टू डिलीवर गाड़ी है। हाँ जी, इसके अंदर कुछ भी नहीं कराना हमने। तो भैया थोड़ा सा बताओ कि इस वाले मॉडल में आपने जैसे बताया कि टॉप मॉडल है ये, तो टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं, हमें कंपनी से क्या क्या फीचर मिलते हैं? ये टॉप वेरिएंट्स में आती है, इसके अंदर सारी चीज़ आपको मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्टीयरिंग में इसके कंट्रोल्स आते हैं सारे, म्यूजिक सिस्टम का सारा इनबिल्ट सिस्टम आता है इसके अंदर, ठीक है। कंपनी से ही सारा म्यूजिक सिस्टम होता है इसका, आप चारों देख सकते हैं। इसके पावर विंडोज होते हैं, अच्छा, पावर स्टीयरिंग होता है इसके अंदर। आपको बैक वाइपर भी दिया जाता है, फ्रंट वाइपर आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। फ्लिप की वगैरह भी है इसके अंदर, मेरे को दिख रही है। मतलब बाहर से काम कराने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मली एक बंदे को चाहिए होता है वो सब कुछ है इस गाड़ी में। सारी चीज आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगी, आपको इसके अंदर कोई भी अपने एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एसी हीटर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर? सारी चीजें, एसी आपको मिलेगा इसके अंदर, हीटर आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें वर्किंग है या नहीं? सारी चीजें आपको वर्किंग मिलेगी, बिल्कुल वर्किंग मिलेगी। अगर कोई सारे इलेक्ट्रिकल्स होते हैं ना, जैसे लाइट्स वगैरह हो गई या कोई स्पीकर वगैरह, कुछ इलेक्ट्रिकल्स में अगर इन मतलब कोई इश्यू आता है इन केस, तो वो आप लोग करा के डिलीवर करेंगे? वो सारी हमारी गारंटी रहती है। अच्छा। पहली बात तो भैया कोई इसमें ऐसा इशू वाला काम नहीं करते हम लोग, ठीक है, कि आपको जब आप गाड़ी लेंगे तो घर जाके आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसा वाला काम नहीं है कि आपको मैकेनिक के पास जाके धक्के खाने पड़ेंगे, ऐसा हम काम नहीं करते हैं भैया। अच्छा, मतलब जो भी चीज मिलेगी आपको रेडी टू मूव वाली मिलेगी, इसमें आपको सिंगल रुपीस भी खर्च करने की जरूरत। अच्छा, तो वोक्सवैगन का जैसे कि ये ब्रांड है, तो ये मतलब अपना ऑडी वगैरह के साथ इनका मतलब उसी की हाँ सिस्टर ही हो गई। तो फिर इनकी मतलब जो इनके इंजन लाइफ होती है वो काफी अच्छी होती होगी मेरे हिसाब से, काफी अच्छी इंजन लाइफ होती है इसकी। तो 54,000 तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, 54,000 इज जस्ट अ मिनिमम रनिंग। हाँ 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 हाँ। अगर इसकी अच्छे से मेंटेनेंस करें तो 1-2 लाख तो आराम से खींचेगी ना इजीली। तो आप हल्का सा ना इसको हम लोग अपनी वीडियो में थोड़ा सा ना दिखाते हैं, ताकि ऑडियंस जो है ना वो मतलब वीडियो के थ्रू ही जज कर ले गाड़ी को। तो थोड़ा सा आप इसका बोनट खोलते हैं, एक बार हम अंदर इसका इंजन भी दिखा देते हैं कि कैसा है। तो अभी हम इंजन देखते हैं इसका। पोलो TSI इंजन इसमें आता है, आप देख ले एक बार, इसको लिफ्ट कर दे। इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका बोनट काफ़ी भारी है, मतलब मारुति वगैरह से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन इसके अंदर मिल जाता है भैया। आप हाँ इसका ये लगा दो, ये लगेगा, ये इसका सेंटर में लगता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जब तक आप इंजन भैया दिखाओ, मैं इसके बारे में पूछता हूँ भैया। तो जैसे कि ये पेट्रोल की गाड़ी है, तो माइलेज कितना रहने वाला, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो माइलेज इसकी वैसे अगर आप लोकल में अगर आप चलते हैं इसके ऊपर तो ये अराउंड 13 के अच्छा अराउंड देती है, ठीक है। अगर आप हाईवे पे अगर चला रहे हैं इसे, रन कर रहे हैं, तो अराउंड 15। मतलब जो लोग माइलेज ओरिएंटेड कार्स लेते हैं, जिनको माइलेज से मतलब होता है, उनके लिए ये गाड़ी नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में ये शौकिया कार है। हाँ 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 हाँ। मतलब ये शौक के पर्पज से एक यंगस्टर की एक न्यू समझ गया। प्लस बिल्ड क्वालिटी भी है, आजकल की जो मतलब कस्टमर्स हैं वो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी की तरफ भी ओरिएंट हो रहे हैं। बट जो माइलेज वाले मेरे दोस्त मेरे भाई हों जिनको माइलेज के लिए ये गाड़ी लेनी है तो प्लीज़ इस गाड़ी, फिर ये गाड़ी आप लोगों के लिए नहीं है, फिर आपको हल्की गाड़ी पे जाना पड़ेगा, मारुति वगैरह में जाना पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंस वाइज कैसी रहती है ये गाड़ी चलने में? परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छी कार है, अगर आप इसकी टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस करा रहे हैं तो ये आपकी लाइफ टाइम कार बन सकती है। चलो सर्विस की बात आई है तो पहले आप ये बताइए कि इसकी सर्विस जो है कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं या बाहर से हो रही है इसकी सर्विस? आपको इसके साथ सारा कंपनी रिकॉर्ड मिलेगा, जो जेन्युइन रनिंग में आपको बता रहा हूँ 54,000 चली हुई है, ठीक है, विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ मिलेगी। अच्छा, तो अगर हम कंपनी से सर्विस, जो भी कस्टमर ये गाड़ी लेता है कंपनी से जाके सर्विस करवाता है तो कितने की सर्विस पड़ेगी लगभग? ये अराउंड आपको 10,000 to 15,000 के अराउंड पड़ेगी। तो भाई देख लो 10,000 से 15,000 की सर्विस आपको इसकी पड़ेगी। मतलब 1.2 लीटर के इंजन अगर हम मारुति वगैरह की बात करें तो 4-5 हज़ार में भी सर्विस हो जाती है। बट जो बात है वो सच भैया ने बताई है कि 10,000 तक आपके पैसे इसके अंदर कंपनी से सर्विस करवाने में लग सकते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि क्योंकि इसके कंपनी की सर्विस रिकॉर्ड है तो आप जो भी कस्टमर, जो भी इसका नया ओनर बनेगा उसको क्या रिकमेंड करते हो कि कंपनी से सर्विस करवाए या बाहर से सर्विस करवाए? सर हम जो भी कार अपनी सेल करते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, हम सबको यही बोलते हैं कि कंपनी से ही सर्विस करानी चाहिए। मेरे आपकी गाड़ी की लाइफ टाइम बनी रहती है वो गाड़ी, अगर आप कंपनी से अगर आप सर्विस कराएंगे ना तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो बनी रहती है अच्छी। मेरे हिसाब से भी कि अगर प्रियोन गाड़ी कोई लेता है और उसकी कंपनी सर्विस रिकॉर्ड मिलती है तो फिर आगे कंपनी कराना चाहिए। अगर वो पहले से ही बाहर से हो रही है तब तो बंदा जा सकता है बाहर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नहीं अगर कंपनी मेंटेन्ड है ये गाड़ी तो फिर आपको कंपनी से ही इसको सर्विस करानी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें इसमें लोग कितने कंफर्टेबली बैठ कर जा सकते हैं? ये 5 सीटर कार है, आप 5 जनों के लिए ही बनी है, 5 जने इसमें इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। 5 जने इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपकी हाइट कितनी होगी भैया लगभग? अराउंड 5'10" है। आप एक बार ड्राइवर सीट पर बैठ के दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेस भी आप कर लो। बाकी मेरे को इसकी थोड़ी सी ना ग्राउंड क्लियरेंस कम लगती है बट आप भैया एक बार बैठ के दिखाएंगे। 5'10" नॉर्मल जो हाइट होती है वो होती है, तो आप एक बार हाइट देख लो। एक बार इनका हेडरूम भी दिखाना कि हेडरूम क्या। भैया सीट को ना एडजस्ट कर लो, जैसे भी आप गाड़ी चलाते हो ना उतने में एडजस्ट कर लो, तो आप देख लो कितना स्पेस मिल रहा है। बाकी सर के ऊपर कितना स्पेस है आपके? अच्छा खासा स्पेस है। इजीली बैठे हो? बिल्कुल इजीली मैं बैठा हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर लिया। आप एक बार पीछे बैठो ताकि हम देख लें कि अगर ड्राइवर ऐसे बैठते हैं तो फिर पीछे वाले को कितना कंफर्ट मिल रहा है। तो भैया देख लो, मतलब ज़्यादा स्पेस तो नहीं बच रहा नीज और उसमें, लेकिन मैं जैसे भैया बैठे हैं मेरे को लगता है कि 4 आदमी इजीली कंफर्टेबल बैठे हो तो 4 लोग तो इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इसका मतलब 4 लोग और एक बच्चा तो आराम से बैठ जाएगा। बाकी 5 फुल लेंथ के बंदे जैसे आप हो वैसे मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ये 4 पर्सन के लिए फिर भी मैं कहूँगा कि कम्फर्ट है। हाँ, मेरी हाइट जितनी देखते हो। ठीक है, समझ गया। तो 4 हेडरेस्ट इसमें आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। बाकी इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने देखा हो हमारे जो सिनेमैटिक शॉट उसमें भी देखा होगा क्रोम वगैरह का काफ़ी अच्छा यूसेज किया हुआ है एसी पैनल्स पे और आपका स्टीयरिंग पे और यहाँ गेयर लेवर के पास और यह जो आपके हैंडल्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रोम का यूज़ किया गया है। और मेंटेनेंस इसी से पता लगती है गाड़ी की, कहीं भी कलर फेड नहीं है इस गाड़ी का, ना ही क्रोम में फेड हुआ है ना कलर कुछ भी फेड है, तो इसी से पता लगता है कि गाड़ी कितनी ज़्यादा मेनटेन्ड है। अब भैया अगर कोई कस्टमर है, जैसे पेट्रोल गाड़ियों में रहता ही है, दिल्ली एनसीआर की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, माइलेज नहीं मिलती है तो सीएनजी लगवा लेते हैं। तो भैया हमारे ऑडियंस के साथ आप थोड़ा सा शेयर करिए कि अगर किसी बंदे को शक है कि कहीं इस गाड़ी में सीएनजी तो नहीं लगी थी और बाद में ये उतारी गई हो तो वो कैसे पहचाने? मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस गाड़ी में सीएनजी नहीं लग रही है, ठीक है। अगर इसमें सीएनजी लगी होती और बाई चांस अगर आपसे कोई फ्रॉड करना चाह रहा है, अगर सीएनजी इसमें लगी हुई है और आपको पेट्रोल की कार बता रहा है तो मैं आपको पहचान बताता हूँ, इस साइड में आपको जरूर सीएनजी के होल्स दिखेंगे। अच्छा, बट इस कार में आप देख सकते हो ये प्योर पेट्रोल पे चली हुई कार है, इसमें कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करवा रखा, होल नहीं हो रखा, ये बिल्कुल जेन्युइन पेट्रोल की चली हुई कार है। स्टेपनी भी आपको अच्छे खासे ग्रिप में मिल रही है, स्टेपनी भी ऑलमोस्ट न्यू ही है और सारे आपको टूल किट इसके अंदर मिल जाती है। टूल किट भी कई बार होता है ना पुरानी गाड़ियों में टूल किट नहीं मिलती है, तो टूल किट भी आपको मिल जाती है। जो भी एक बेसिक कार के फीचर्स होते हैं ना, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है। डिफॉगर्स वगैरह आपको रेनी सीजन में और हेल्प करेंगे। भैया ये नंबर प्लेट, जैसे कि आपको पता है दिल्ली एनसीआर में एचएसआरपी प्लेट्स मैंडेटरी हो गई हैं, तो ये नंबर प्लेट आप लोग करा के देंगे या कस्टमर कराएगा? जब कोई हमसे ये कार परचेज करता है तो हम उसे ये वाली नंबर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं एचएसआरपी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो एचएसआरपी के पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। बाकी भैया फाइनेंस वगैरह हो जाती है गाड़ी, अगर किसी का बजट ना हो इतना, मतलब गाड़ी लेने का? फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अच्छा, तो फाइनेंस आप लोग करा देते हैं? सबका फाइनेंस हो जाएगा, मतलब? हाँ जी, हाँ जी, सबका फाइनेंस हम करवाते हैं। बस उसमें डाउन पेमेंट का थोड़ा सा रहता है कि आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी होती है? 70 to 1 लाख के बीच में अराउंड आपको डाउन पेमेंट करने पड़ती है। बाकी अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो बाकी का आपका लोन हो जाता है। अच्छा, और ये ईयर का भी होता है ना कुछ, कि इस ईयर के बाद ही डाउन पेमेंट जो लोन होगा? ये जैसे कि आपको पता ही है 2013 मॉडल है, तो 2013 पे इजीली आपका लोन हो सकता है। तो इस गाड़ी पे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बाकी मैं आपको प्राइस बता दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग ये लगा सकते हैं कि आपको लोन लेना है या आप कैश लेना चाहते हैं। तो भैया अब मतलब मेरे को लगता है बेसिक हमने सारी डिटेल्स तो शेयर कर ही दी हैं। बाकी अगर कोई भी आना चाहे और मतलब ऐसे रियल में देखना चाहे तो भैया का नंबर तो नीचे फ्लैश हो ही रहा होगा और नीचे आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। भैया अपने शोरूम जो आपका है ऑफिस, उसका थोड़ा सा लोकेशन शेयर कर दो कि कोई अगर आए तो कैसे आए। ये दिल्ली में द्वारका में हमारा ऑफिस है, द्वारका मोटर्स एंड फाइनेंस के नाम से है। ये आपको नियर बाय आपका NSIT कॉलेज है सेक्टर 14 में, उसके ठीक अपोजिट पड़ता है। NSIT कॉलेज तो काफ़ी मतलब फेमस लैंडमार्क है, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। बाकी लोकेशन आपको नीचे मिल जाएगी और फ़ोन करके तो आप लोग पता कर ही सकते हैं। बाकी भैया ऑलमोस्ट हमने सब कुछ शेयर कर दिया। ओनर्स कितने हैं इसके आपने ये नहीं बताया मुझे? ये फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। चलिए ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा भैया इसको चला, आप लोग आप चला रहे होंगे तो इसको, आपको इसमें कुछ दिक्कत वगैरह लग रही है गाड़ी में? मतलब हल्की फुल्की कुछ हो? इस गाड़ी में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में हम प्रॉब्लम वाला कोई काम ही नहीं करते जिससे कि हमारी कस्टमर परेशान हो। तो सर्विस जो है इसकी वो अभी हो रखी है या अभी करवानी पड़ेगी? जो सर्विस वगैरह सब कुछ अप टू डेट है। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपका एक छोटा सा सिंपल सा खर्चा है, सिर्फ आपको पेट्रोल डलवाना है और अपनी कार आप चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर ट्रांसफर जो होता है कार का, ट्रांसफर का फी कौन बेयर करेगा, कस्टमर या आप? ये ट्रांसफर फी आपको कस्टमर के हैंड से ही देने पड़ती है। अच्छा, ट्रांसफर फी कितनी लग जाती है? पार्ट ट्रांसफर फीस अगर आप इसको कैश लेना चाह रहे हैं तो ट्रांसफर फीस 3000 रुपीज़ होती है। ठीक है। अगर आप इस पे लोन कराना चाह रहे हैं तो आपकी 5000 रुपीज़ होती है। तो क्लियरली पता लग गया आपको, 3000 अगर कैश कराएंगे तो, और 5000 अगर आप लोन कराते हैं गाड़ी के ऊपर तो। तो बाकी इस वीडियो में हम चलाकर नहीं देख रहे गाड़ी को, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलाकर अगर आपको देखने, किसी को टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी हो तो आ सकते हैं ना आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव बिल्कुल मिलेगी आपको, पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन अच्छे से की करवाई जाएगी। ठीक है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे जब तक हमें भी कार सेल आउट करने का मज़ा नहीं आता। सही बात है। अगर कोई मैकेनिक वगैरह ला के चेक करवाना चाहे या कोई कंपनी ले जाके चेक करवाना चाहे तो आप परमिशन दे देते हैं? ऑफिस पे हमारे रहती है कार, आप अपना मैकेनिक लाइए या जिसको ज़्यादा नॉलेज है आप उसको भी ला सकते हैं, और इजीली अपना पूरा सेटिस्फाई जब तक नहीं आप हो जाएंगे जब तक हम डील नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक है, अब हमने काफ़ी चीज़ें शेयर कर ली है। अब एट लास्ट अब आपको हम डिस्क्लोज़ करते हैं। भैया डिमांड बताइए इस गाड़ी की, क्या डिमांड आप लोगों ने रखी है? सर ये 4.25 लाख रुपये की कार है, तो 4.25 लाख रुपये डिमांड है। फर्स्ट ओनर 2013, पेट्रोल 54,000, कुछ गलत तो नहीं बोला? 54,000 रनिंग। तो आपको डिटेल्स पता लगेगी। 4,25,000 रुपये, 4,25,000 की कार है। ठीक है, बाकी लिटिल बिट नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो आएगा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आपकी तरफ से आएगा तो अमन भैया बिल्कुल दिया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, फिर करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पे। ये थी हमारी पोलो टॉप मॉडल ना, पोलो टॉप मॉडल है, पोलो टॉप मॉडल, हाईलाइन, पोलो हाईलाइन। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, पहली बार भैया ने वीडियो बनाई है, इनका कॉन्फिडेंस कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही वीडियो में, तब